Dear students, today we are going to study about RAM type DVM. There are several types of DVM. DVM you know already. DVM का मतलब digital voltmeter होता है. तो जिससे कि हम लोग generally voltage को measure करते हैं. तो हम लोग के syllabus के according digital voltmeter का block diagram हमें पढ़ना है और हमें देखना है कि हम इसका इसकी working block diagram की working कैसे होती है. So let us see the block diagram of RAM type DVM and I will explain each block one by one. Okay, so look at here. When we see this block diagram, it has only few blocks and there are one waveforms. So including this both, hum log jo hai wo iski working ko dekhenge. This is the we are talking about the block diagram of RAM type DVM. Ye hamara pura jo hai wo block diagram. ब्लॉक डायग्राम में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम क्या करते हैं, एक इनपुट सिग्नल देते हैं. इनपुट सिग्नल क्या, जिसे हमें मेजर करना है. इनपुट सिग्नल विच हैज टू बी मेजर्ड. तो ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया. देन एक रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर है. तो जो भी हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देंगे उसको ये जो रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर ब्लॉक है वो उसको मेजरेबल रेंज में लेके आएगा, मतलब मेजरिंग रेंज में. कि हमारा एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा इनपुट काफी कम है तो उसको एम्पलीफाई करके थोड़ा ज्यादा कर सकता है. एंड अगर इनपुट सिग्नल जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है तो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करके, एटेन्यूएटर का काम है रिड्यूस करना विदाउट डिस्टॉर्टिंग द वेवफॉर्म. तो सिंपल जो भी इनपुट होगा वो इस रेंजिंग एटेन्यूएटर ब्लॉक के थ्रू पास करेगा, सो दैट हमारा जो इनपुट जो भी मैं दे रहा हूँ मेजर करने के लिए वो एक मेजरेबल रेंज में आ जाए. तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी हमने इनपुट दिया वो इसके थ्रू पास होके आ गया और उसकी वैल्यू समथिंग लाइक एक्स है. ओके, नाउ देयर इज अ कंपैरेटर ब्लॉक. इनपुट कंपैरेटर कहा गया इसको. तो दो कंपैरेटर है, आप देख सकते हैं, एक है यहाँ पे इनपुट कंपैरेटर और दूसरा है ग्राउंड कंपैरेटर. कंपैरेटर का मतलब समझ सकते हो कंपेयर करने वाला, जो दो इनपुट को, दो चीजों को, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं. यहाँ पे ये दो वैल्यू कंपेयर कर रहा है. अच्छा, इसको इसका नाम जो है वो रैम टाइप डीवीएम है. इसको रैम टाइप डीवीएम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो रैम्प सिग्नल पे बेस्ड है. यानी कि ये जो रैम्प देख सकते हो इस साइड में जो रैम्प सिग्नल ये रेड कलर से ड्रॉ की हुई है, इस रैम्प सिग्नल पे बेस्ड है इसकी वॉकिंग, इसीलिए इसको रैम्प टाइप डीवीएम बोलते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे बेस्ड है. तो अभी हम बात कर रहे थे इनपुट कंपैरेटर एंड ग्राउंड कंपैरेटर. इनपुट कंपैरेटर एंड ग्राउंड कंपैरेटर मतलब दो ऐसे कंपैरेटर है जिनकी वर्किंग इस तरीके से डिसाइड की गई है कि अगर इसका दोनों इनपुट, दोनों पे जो इनपुट जा रहा है वो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा और एक पल्स देगा, है ना. उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा और ये एक पल्स देगा. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें अभी अभी तक इनपुट क्या है, एक्स. और यहाँ पे एक रैम्प जनरेटर जो है वो रैम्प सिग्नल को जनरेट करता है. नाम से पता चल रहा है कि रैम्प जनरेटर, जो कि जनरेट कर रहा है रैम्प सिग्नल को. ये रैम्प जनरेटर जो है वो उसका उसकी वैल्यू दोनों पे जा रही है, यानी कि इनपुट कंपैरेटर पे भी ग्राउंड कंपैरेटर पे. अच्छा, तो इन जैसे मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे आता हूँ. ये रैम्प सिग्नल है ये. अब रैम्प सिग्नल जो है वो निगेटिव गोइंग रैम्प सिग्नल हमने रखा है क्योंकि हमारे वर्किंग हमारे इस ब्लॉक डायग्राम या इस रैम्प टाइप जो डीवीएम के अकॉर्डिंग वी कंसिडर निगेटिव गोइंग रैम्प. निगेटिव गोइंग रैम्प का मतलब यहाँ पे वैल्यू इसकी ज्यादा है, ये टाइम एक्सिस है. जैसे जैसे मैं टाइम जीरो से आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरी ये सिग्नल की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल के लिए जीरो पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इस पॉइंट पे वैल्यू इसकी और कम हो गई, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू और कम हो गई, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मतलब और ज्यादा कम हो गई. इस तरीके से जितना मैं ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आने के बाद सबसे कम हो जा रही है. फिर ये पोर्शन जो है पॉजिटिव गोइंग रैम्प का हो, तो मैं सिर्फ ये निगेटिव गोइंग रैम्प को कंसिडर कर रहा हूँ. तो नेगेटिव गोइंग रैम्प, ये जो रैम्प सिग्नल है जो हमने किसको दिया है, कंपैरेटर को, और ये इनपुट भी कंपैरेटर को दिया हुआ है. तो रैम्प और इनपुट कब बराबर होगा, तो रैम्प सिग्नल इधर रिड्यूस हो रही है, इस पर हमने रैम्प सिग्नल अप्लाई कर दिया है. तो जैसे ही दोनों सिग्नल की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉन्सिडेंस, है ना. तो जैसे ही दोनों वैल्यू एक्स इज इक्वल टू इसको वाई मान लेते हैं, अगर रैम्प सिग्नल वाई बराबर हुई तो ये इनपुट कंपैरेटर ऑन हो गया और इसने एक पल्स दिया जिसका नाम है स्टार्ट पल्स. तो जैसे मान लो जस्ट इसने एक ऐसे पल्स दे दिया और ये पल्स की वजह से क्या हुआ, एक गेट जो है वो ऑन हो गया. गेट क्या है,
गेट एक लॉजिक सर्किट है, डिजिटल लॉजिक सर्किट, जो कि ऑन एंड ऑफ होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक गेट, अभी कुछ देर के लिए समझ लो कि ये गेट मतलब डोर है, दरवाजा है। तो दरवाजा अभी कुछ देर के लिए, अभी जैसे ही इसको ये पल्स मिला, स्टार्ट पल्स मिला, ये दरवाजा खुल गया, ओपन हो गया। और दरवाजा जब खुला, जब ओपन हुआ, तो यहाँ पे एक ऑसिलेटर है जो कि कंटिन्यूअस इंटरवल की, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एंड फिक्स इंटरवल का पल्स जनरेट कर रहा है। ऑसिलेटर एक डिवाइस होती है जो ऑसिलेशन के थ्रू पल्सेस या वेवफॉर्म्स जनरेट करता है। तो ये जो है वो कंटिन्यूअस पल्स वेवफॉर्म जनरेट करता है, जिसका कि इंटरवल फिक्स है, ये बात ध्यान रखना, फिक्स इंटरवल का। लेकिन ये पल्सेस तभी इसके थ्रू पास कर पाएंगे जब ये ऑन होगा। अभी जब x is equal to y हो गया, when x is equal to y, तो इनपुट कंपैरेटर ऑन हो गया, इसने स्टार्ट पल्स दिया, और ये कुछ सेकंड के लिए हुआ, इसी सिर्फ पॉइंट पे ये ऑन हुआ, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसने स्टार्ट पल्स दिया, इसके बाद ये इनपुट कंपैरेटर ऑफ हो गया, और ये गेट हो गया ऑन। गेट तब तक अब ऑन रहेगा, क्योंकि इसको पल्स मिल चुकी है, तब तक ऑन रहेगा जब तक इसको स्टॉप पल्स नहीं मिल जाती, ठीक है। और ये स्टॉप पल्स कब मिलेगी, जब ग्राउंड कंपैरेटर की जो ये वैल्यू, इसमें भी ये वाई वैल्यू आ रही है, ये मेरा वाई है और एम सिग्नल, ये वैल्यू हमारी इनपुट के, फिर ये ग्राउंड के बराबर ना हो जाए, ये जीरो के बराबर। तो इस पॉइंट पे, फर्स्ट कॉन्सिडेंस पे, मेरा गेट जो है, ये गेट टाइम इंटरवल बोला गया है, गेट ऑन हो गया। और इस टाइम पे जब मेरा जीरो की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू ग्राउंड के बराबर हो गई, तो क्या हुआ, ग्राउंड कंपैरेटर ऑन हो गया। ग्राउंड कंपैरेटर जैसे ही ऑन हुआ, इसने स्टॉप पल्स दिया और गेट बंद हो गया। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे गेट बंद, इतना देर के लिए, यानी कि जितना देर के लिए ये गेट खुला, इसको बोलते हैं गेटिंग टाइम इंटरवल, गेट का टाइम इंटरवल। तो इतना देर के लिए गेट खुला हुआ है। अब इस जितना देर के लिए गेट खुला हुआ, ऑसिलेटर तो कंटिन्यूअसली पल्स जनरेट कर रहा है, अब पल्स जो है वो इस गेट के थ्रू पास करना शुरू करेंगे, और गेट के थ्रू पास करेंगे, और यहाँ पे किसके, किस ब्लॉक को जाएंगे, काउंटर को। काउंटर का काम क्या होता है, काउंट करना, जितने नंबर ऑफ पल्सेस आएंगे उसको काउंट करेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 1 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ये जो है वो गेट खुला रहा। इतने देर में मान लेते हैं कि मेरा 10 नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो काउंटर के पास गया, इसने काउंटर ने काउंट किया, और रीड आउट का मतलब हो गया डिजिटल डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में इसने डिस्प्ले कर दिया कि जो आपने मुझे इनपुट वोल्टेज दिया था, या जो भेजने के लिए मुझे अप्लाई किया गया था, उसकी जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पे 10 वोल्ट डिजिटल डिस्प्ले में ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर चुके हैं रैम जनरेटर का। रैम जनरेटर क्या करता है, कंटिन्यूअसली रैम सिग्नल को जनरेट करता है। और इसके बाद एक अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर। क्या काम है सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर का, ये जो सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर है वो क्या करता है कि रेट ऑफ ये इसकी वॉकिंग को, या रेट ऑफ कह सकते हो कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिसाइड करता है। मींस कि ये किस रेट से इसको काम कराना है उसको ये डिसाइड करेगा। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंप जनरेटर को ये क्या करेगा, जैसे ही ये एक आपने वैल्यू मेजर की, उसके बाद ये क्या करेगा, रैंप जनरेटर को इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये जो वेवफॉर्म है वो बार बार रिपीट होते रहेगी। आई विल ड्रॉ बाय सम अदर लाइन। तो ये जो वेवफॉर्म है ये बार बार ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट होते रहेगी। तो ये काम किसका है, सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर का। हर एक मेजरमेंट के बाद, हर एक फंक्शन के बाद ये इसको इनिशियलाइज कर देगा, और साथ साथ में ये काउंटर को भी इनिशियलाइज कर देगा। इस काउंटर ब्लॉक को जीरो पे रिसेट कर देगा, क्योंकि अगर जीरो पे रिसेट नहीं किया तो पहले हम लोग कितना मेजर कर चुके हैं, 10। अब जब दूसरा मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, अब 10 के बाद काउंट होगा, इसलिए इसको जीरो करना जरूरी है। तो ये पहले, इसके बाद ये क्या करेगा, जीरो। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर से ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से आप लोगों को रिवाइज कराऊं वंस अगेन, सारे ब्लॉक के बारे में एक एक पॉइंट में अगर हम बात करने का, अब इसको लिखना क्या है, लिखना है हर एक ब्लॉक के बारे में एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट सिग्नल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि हम जो इनपुट का मतलब सिग्नल क्या हो गया, जो मुझे मेजर करना है। रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर के बारे में एक दो लाइन लिखना है, क्या लिखना है, रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर इज अ डिवाइस व्हिच वर्क इज टू ब्रिंग द सिग्नल इनटू मेजरिंग रेंज, मेजरेबल रेंज, यानी कि सिग्नल के वैल्यूज को
मेजरमेंट रेंज के अंदर में लेके आता है। इसके बाद इसका जो आउटपुट होगा वो किसको जाएगा, कंपैरेटर को जाएगा। कंपैरेटर में दो आउटपुट जाएंगे। इनपुट कंपैरेटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि दो सिग्नल को कंपेयर करता है। ओके, तो यहाँ पे इनपुट कंपैरेटर एंड ग्राउंड कंपैरेटर। इनपुट कंपैरेटर डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि अगर इनपुट की वैल्यू और रैंप जनरेटर की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा और ये स्टार्ट पल्स देगा। ठीक है, और उसी तरीके से एक लाइन दो लाइन इसके बारे में लिखेंगे। ग्राउंड कंपैरेटर ये भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये तभी ऑन होगा जब वाई की यानी कि जो इसमें पहली वैल्यू जो रैंप जनरेटर की वैल्यू आ रही है वो रैंप सिग्नल की वैल्यू ग्राउंड यानी कि जीरो के बराबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ये स्टॉप पल्स देगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं इस लाइन पे। यहाँ पे एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का काम है कंटिन्यूअस इंटरवल में पल्स जनरेट करना। नंबर ऑफ पल्सेस ये जो है वो कंटिन्यूअस इंटरवल की बिल्कुल फिक्स इंटरवल की पल्स जनरेट करेगा। अगर फिक्स इंटरवल की पल्स जनरेट नहीं करेगा तो हम लोग क्या है मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी की कोई पल्स की विड्थ ज्यादा किसी की विड्थ कम होगी तो मेजरमेंट करने में आसानी नहीं होगी। इसलिए कंटिन्यूअस ये क्या करता है, पल्स जनरेट कर रहा है कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल का। लेकिन ये पल्सेस तभी इसके थ्रू पास कर पाएगी जब हमारा गेट ओपन होगा। गेट क्या है, गेट एक डिजिटल सर्किट है जो कि ऑन एंड ऑफ होता है। ऑन कब होगा, जब इनपुट कंपैरेटर इसे जीरो यानी सॉरी स्टार्ट पल्स देगा, और ये ऑफ कब होगा, जब स्टॉप पल्स देगा, है ना। तो गेट स्टार्ट हो गया जब स्टार्ट पल्स मिला, यानी कि जब एक्स की वैल्यू वाई के बराबर हो गई, यानी कि रैंप की वैल्यू जब इनपुट सिग्नल के बराबर हुई तो यहाँ पे गेट मेरा स्टार्ट हो गया, यानी कि गेट खुल गया। गेट बंद कब हुआ, जब ये रैंप सिग्नल धीरे धीरे कम होते होते जीरो के बराबर हो गई, जीरो के बराबर ग्राउंड के बराबर, तो उस ड्यूरेशन पे जाके मेरा गेट क्लोज हो गया। और इतना देर के लिए यानी कि डेल्टी ड्यूरेशन के लिए जो खुला आपका गेट खुला, उस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ पल्सेस पास कर लिया। मान लेते हैं कि डेल्टी के ड्यूरेशन में 5 या 7 नंबर ऑफ पल्सेस पास हो गई। अब इस पल्सेस को काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा, और ये जो डिजिटल डिस्प्ले है रीड आउट जिसको बोल रहे हैं उसमें क्या करेगा, इसको 7 वोल्ट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसके बाद सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर। अब ये इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर काम है कि जब नेक्स्ट, अब जैसे ही मेजरमेंट कंप्लीट हो गया और फिर दूसरे मेजरमेंट के लिए आप जाओगे तो ये रैंप जनरेटर को इनिशियलाइज कर देगा और साथ साथ में काउंटर को जीरो पे रिसेट कर देगा, है ना। और इधर ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको इन दोनों ब्लॉक को साथ में एक्सप्लेन करनी है, मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब है कि दिखाना है। ये फर्स्ट कॉन्सिडेंस पे इनपुट कंपैरेटर ऑन हुआ, सेकंड कॉन्सिडेंस पे ग्राउंड कंपैरेटर ऑन हुआ। इन दोनों के ड्यूरेशन में डेल्टी यानी कि गेटिंग टाइम इंटरवल, ये गेट का टाइम इंटरवल है इतना देर के लिए खुला, और उतने देर में ये क्लॉक पल्सेस टू द काउंटर, इतने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जो है वो काउंटर के पास गए। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ योर रैंप टाइप डीवीएम। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व यू आउट। थैंक यू।